यहां ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया ना कभी सोचा गया। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही हिला दिया। तुम जरा सा खून देखकर इतना डर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहा। कहां कहां हुई फिल्म की प्रमोशन, कौन कौन सी डेट को की जाएगी प्रमोशन, कौन से सिनेमा में पहली मूवी रिलीज होगी। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। एसएस राजामौली की ट्रिपल आर की रिलीज होने के साथ ही इस फिल्म के निर्माताओं ने देश भर के शहरों में फिल्म के प्रमोशन की योजना बनाई है। पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म ट्रिपल आर के निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प वीडियो लॉन्च किया जिसमें उन्होंने अपने मल्टी सिटी प्रमोशन की शुरुआत की घोषणा की। हैदराबाद, बेंगलुरु, बड़ौदा, दिल्ली, अमृतसर, जयपुर, कोलकाता और वाराणसी से लेकर दुबई तक फिल्म के प्रमोशन के लिए तैयार हैं, जिसमें वो 18 से 20 मार्च तक फिल्म के प्रचार के लिए देश के कई शहरों का दौरा करेंगे। हाल ही में ट्रिपल आर की टीम इंडिया के सबसे ऊंची इमारत स्टैचू ऑफ यूनिटी में अपना फिल्म प्रमोशन करने पहुंची, जहां इन्होंने फिल्म का जोरों शोरों से प्रमोशन किया और अपने फैंस के साथ पिक्चर्स भी क्लिक करवाई। फिल्म के सुपरस्टार रामचरण और जूनियर एनटीआर ने वल्लभ भाई पटेल की विशाल स्टैचू के आगे खड़े होकर अपने हैंडसेट सिग्नेचर स्टेप की फोटो खिंचवाई। आपको बता दें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी हैदराबाद में है। इसके बाद ट्रिपल आर की टीम हैदराबाद से सीधा दुबई के लिए रवाना हुई। दुबई एयरपोर्ट पर फिल्म के हीरो रामचरण को उनके पेट डॉग के साथ देखा गया। इसके बाद फिल्म के प्रमोशन के लिए जहां जहां भी दुबई में फिल्म की टीम गई, रामचरण अपने पेट डॉग को वहां वहां अपने साथ लेकर गए और साथ में पेट राइम सुनते हुए नजर आए। दुबई के बाद फिल्म की टीम दिल्ली में फिल्म का प्रमोशन करती हुई दिखेगी। तो आपको बता दें कि जूनियर एनटीआर पहली बार इंडिया की कैपिटल दिल्ली में कदम रखने जा रहे हैं, जिसके लिए जूनियर एनटीआर काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। एनर्जेटिक और इलेक्ट्रीफाइंग साउथ सुपरस्टार को देखने के लिए दिल्ली वाले भी बेसब्री से जूनियर एनटीआर और रामचरण की केमिस्ट्री आलिया भट्ट के साथ देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। इसके बाद फिल्म की टीम हमें अमृतसर, जयपुर, कोलकाता और वाराणसी में स्पॉट किए जाएंगे फिल्म के प्रमोशन के लिए। जोरों जोरों से फिल्म के प्रमोशन को देखते हुए और लोगों में फिल्म के प्रति बढ़ता उत्साह देखकर तो ये लग रहा है कि फिल्म 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में एसएस राजामौली फिर से धमाका करने वाले हैं। भारत का सबसे बड़ा एक्शन ड्रामा एसएस राजामौली की ट्रिपल आर डॉल्बी सिनेमा में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म में मुख्य अभिनेता रामचरण और जूनियर एनटीआर के अलावा अजय देवगन, आलिया भट्ट, ओलिविया मॉरिस महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखेंगे, जबकि स्मृतिकरणी रे स्टीवेंसन और एलिसन डूडी स्पोर्टिंग रोल में दिखाई देंगे। ये फिल्म 25 मार्च को सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।